हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं आरपीआर पेंशन लगी 2019 के बारे में। फ्रेंड्स, को पता होगा कि आप लोगों ने आईटीआई लगाई थी, करीबन 1 वीक होने को जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज है। क्या कि दोस्तों, आप लोगों ने जो जो कुछ भी पूछा था, सारे के सारे क्वेश्चंस के आप लोगों के आंसर दे दी गए हैं। आप लोगों के आईटीआई का रिप्लाई आ गया है, जवाब आ गया है। बहुत से कैंडिडेट ने पूछा था ज्वाइनिंग के बारे में, तो ज्वाइनिंग का भी यहाँ पर जवाब दे दिया गया है कि कैसा क्या है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम हर एक चीज को जाने, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी लाइक कर दें। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक आपकी जो रिप्लाई आया है उसको देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे अगली स्लाइड में, जहां पर हम देखने वाले हैं कैंडिडेट के नाम, जिनकी रिप्लाई आया है, और सब कुछ बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या क्या जवाब आया है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका आईटीआई फेल हुआ था और करीबन 1 वीक हो गया है। तो दोस्तों, उन सभी कैंडिडेट का आपको रिप्लाई यहां पर देखने को मिलेगा। हम जल्द से जल्द पूरे आईटीआई रिप्लाई कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम भाई तुषार संजय गोत्साह जी से। तो यहाँ पर इनका रिप्लाई आ गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शूट आउट अंडर आईटीआई एक्ट 2005। अब दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों ने जो जो क्वेश्चन पूछे थे, हम यहाँ पर शॉर्ट में उनको जान लेते हैं। इन्होंने पूछा था कि सर, मेरे मार्क्स कितने आए थे, रो मार्क्स और यहाँ पर टेस्ट के मार्क्स। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके मार्क्स हैं रो 25, मतलब की 25, और यहाँ पर इनका जो टेट टेस्ट का मार्क्स है यहाँ पर 22 या 22 है ना। इसके बाद इनका सेकंड क्वेश्चन था कि सर, मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कितने हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, एज पर योर रिकॉर्ड योर नॉर्मलाइज मार्क्स वाज 27.8, मतलब कि इनको 27.8 नंबर मिले हैं इनके टेट टेस्ट में। देन इसके बाद इनका थर्ड और लास्ट क्वेश्चन था क्या, यहाँ पर इनका क्वेश्चन था कि किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का यही सेम फॉर्मेट रहता है, सबसे पहले तो उनका टेट टेस्ट का मार्क्स पूछा जाता है एंड उनका सीवीटी का मार्क्स पूछा जाता है कि कितना आया है। और दोस्तों, इसके बाद नॉर्मल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स हुए हैं जे पूछते हैं, और इसके बाद क्या कारण रहा जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ जे पूछते हैं। तो आपको यहाँ पर तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका जे है, एज पर रिकॉर्ड योर टोटल मार्क्स इज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स, हेंस योर नेम इज नॉट इन फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्ट पैनल फॉर कॉन्स्टेबल आरपीएफ एंसलरी ग्रुप एप। अब जी भाई, ग्रुप एप से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे साफ साफ कर दिया गया है कि आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं, आपका जो फाइनल कट ऑफ बना है उससे कम है, लेस देन। ओके, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है आपके जो मार्क्स अभी आए हैं इनको टोटल करें, मतलब कि आपका जो टेस्ट का मार्क्स है और आपका जो रो मार्क्स है। इसके बाद आपका जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स हुआ है 27.8, आप इसको मिलाइए कि आपका मार्क्स सच में आपके फाइनल जो आपका कट ऑफ गया है उससे कम है। यदि कम है तो कोई बात ही नहीं, और यदि ज्यादा है तो फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का। तो दोस्तों, हम आ गए अगली स्लाइड में, और अगले पर्सन का नाम निकल के आ रहा है क्या, रितेश कुमार सिंह जी। दोस्तों, भाई ने भी लगाया था आईटीआई और चेक करना था उसको अपने मार्क्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे थे, दो। एक क्वेश्चन था इनके जो मार्क्स था, क्या आज पर रिकॉर्ड योर रो मार्क्स वाज 24.686, मतलब कि इनको जो रो मार्क्स मिले हैं, इनकी सीबीटी के मार्क्स आए हैं 24.66, और नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं इनके 29.27। ओके, और टेट टेस्ट के मार्क्स हैं इनके 22, हालांकि इनका इंक्रीज हुआ है मार्क्स, आप यहां पे देख सकते हैं 24 से डायरेक्ट लीजिए 29 पर पहुंच गए। कहने का मतलब डायरेक्ट इनके 5 नंबर बढ़ गए हैं, लकी पर्सन है। ओके, और यहां पर इनका जो टेट टेस्ट का मार्क्स रहा 22। अब इनका ये तो हुआ क्या मार्क्स कितने क्या रहे, इसके बाद इनका एक और क्वेश्चन था किस वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप यहां पे देख सकते हैं, इनका क्वेश्चन है आज पर रिकॉर्ड योर टोटल मार्क्स इज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स, हेंस योर नेम इज नॉट इन फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्ट पैनल फॉर कॉन्स्टेबल एंसिलरी ग्रुप एफ। इनका भी दोस्तों इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इनका जो
कट ऑफ है इनके मार्क्स से ज्यादा गया है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो इनका सिलेक्शन हो जाता। यहाँ पर बोला गया है जैसा कि आपके जो मार्क्स हैं आपके फाइनल कट ऑफ से कम है, इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप भी एक बार जाइए और चेक कीजिए अपने मार्क्स और अपने कट ऑफ को। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और नाम निकल के आता है राजेश कुमार। अभी हमने देखा था क्या रितेश कुमार सिंह, अब है जी राजेश कुमार। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शूट आउट अंडर ITI एक्ट 2000 यहाँ पर, और आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर इनके जो जनरेट हुआ था। इनके यहाँ पर क्वेश्चंस 3 हैं। एज पर रिकॉर्ड योर रो मार्क्स बाज 19.686 एंड टेट टेस्ट मार्क्स बाज 16। जी दोस्तों यहाँ पर कम ही मार्क्स रहा, बट यहाँ पर बता दिया गया है कि आपके जो रो मार्क्स हैं वो 19.66 हैं, और इसके बाद आपका जो टेट टेस्ट में नंबर मिला है आपको 16। अब देन इसके बाद नंबर निकल के आता है कि सर मेरा नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स क्या रहा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आज पर रिकॉर्ड योर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स वाज 23.44, मतलब कि 42। यहाँ पर 23.42 इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स रहा टोटल। ओके तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा इनके इतना मार्क्स रहा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्या कि नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका क्वेश्चन था आज पर, मतलब कि इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या बोला है, एज पर रिकॉर्ड योर टोटल मार्क्स इज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स, हेंस योर नेम इज नॉट इन फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड पैनल टू कॉन्स्टेबल एंसिलरी ग्रुप सी। अब भाई यहाँ पर राजेश कुमार जी ग्रुप सी से बिलोंग करते हैं, और इनका सिलेक्शन भी इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि इनका जो मार्क्स आ रहा है वो इनके कट ऑफ से कम है, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप भी अपना कट ऑफ देख लीजिएगा कि कितना गया है और आपका टोटल मार्क्स है कितना। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में, वो नाम निकल के आता है क्या यहाँ पर रोहिताज स्पेक्ट करके है क्या है। ओके आपका भी दोस्तों यहाँ पर रिप्लाई आया है, बाकायदा हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए आपके भी तीनों क्वेश्चन थे, क्या थे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहता है कि मेरे मार्क्स कितने हैं, जैसे कि आज पर रिकॉर्ड योर रो मार्क्स वाज 31.686, मतलब कि आपके रिकॉर्ड के अनुसार जो नंबर आया है 31.66 एंड टेट टेस्ट मार्क्स वाज 22, मतलब कि आपके जो टेट टेस्ट में नंबर मिले हैं वो हैं 22। देन इसके बाद आपका जो सेकेंड क्वेश्चन रहता है सर नॉर्मलाइजेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर रिकॉर्ड योर नॉर्मलाइज मार्क्स वॉज 33.15 एंड टोटल मार्क्स वॉज 55.15। दोस्तों आपका नंबर बहुत ही अच्छा रहा, क्या आप 55 के ऊपर पहुंच गए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो 33.15 रहा क्या नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स, और आपका जब टेस्ट का मार्क्स जुड़ गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका नंबर हो गया 55.15। जी अब दोस्तों आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो आपको तो जरूर ही देखना है आपका कट ऑफ गया तो कितना। आप यहाँ पे देखिएगा एज पर रिकॉर्ड योर टोटल मार्क्स इज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स, हेंस योर नेम इज नॉट इन फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्ट पैनल फॉर कॉन्स्टेबल एंसिलरी ग्रुप F। तो दोस्तों आप क्या किस कैटेगरी से आते हैं जरा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपका मार्क्स बहुत ज्यादा जा रहा है, 55.15 जा रहा है। आई थिंक आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आप अच्छे से देख लीजिए आपका कट ऑफ इतना है कि इससे ज्यादा। ओके तो चलिए आपका भी यहाँ पर बोला गया है कि आपका भी सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हुआ, चूंकि आपका जो कट ऑफ है वो आपके नंबर से ज्यादा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और अगले पर्सन का नाम निकल के आता है क्या यहाँ पर, इनका डबल बार से शॉर्ट हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर नाम निकल के आता है राजवीर सिंह सैनी। ओके राजवीर जी का भी यहाँ पर रिप्लाई आ गया है ITI का। इन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछे थे, इन्होंने दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन मैंने ही ऐड कर दिया था लास्ट का, चूंकि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर मेरा ये बताइए ज्वाइनिंग कब है, ट्रेनिंग कब होगी, तो मैंने ये भी पूछ लिया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या यहाँ पर भाई ने पूछा था सर मेरे मार्क्स कितने हैं। तो आप यहाँ पे देखिए आज पर रिकॉर्ड योर रो मार्क्स वाज 19 यहाँ पर एंड टेस्ट मार्क्स वाज 17। तो दोस्तों इनका रो मार्क्स रहा 19
और टी टेस्ट का मार्क्स रहा 17। देन इसके बाद इनका जो सेकंड क्वेश्चन रहता है, नॉर्मलाइजेशन एज पर रिकॉर्ड योर नॉर्मलाइज मार्क्स वाज 21.7 एंड टोटल मार्क्स वाज 38.7। अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं इनका जो रो मार्क्स आपने देख लिया टी टेस्ट का मार्क्स, आपके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हैं आपको 21 और आपके टोटल नंबर यदि आप जोड़ेंगे तो 38.7 आपको टोटल नंबर मिल रहे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन था आपका कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो आप यहां पे देख सकते हैं एज पर रिकॉर्ड योर टोटल मार्क्स इज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स, हेंस योर नेम इज नॉट इन फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्ट पैनल फॉर कांस्टेबल एंसिलरी ग्रुप डी। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन भी इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो ज्यादा गया है आपके नंबर से ग्रुप डी का भी, तो आप चेक कर लीजिएगा आपका कट ऑफ रियली गया है कि नहीं ज्यादा। देन इसके बाद बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आता था सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारी ट्रेनिंग कब होगी, क्योंकि आप लोगों की इन्हीं चीजों को देखते हुए मैंने यहाँ पर इनका क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन ऐड कर दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, नो स्पेसिफिक डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ RPSF कॉन्स्टेबल एंसिलरी, यहाँ पर जो डेट दिया है इज अवेलेबल डेट ऑफ ट्रेनिंग मे बी, यहाँ पे दो इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स बाय द कंडक्ट क्या है कंसर्न, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि क्या मालूम कैसा फॉन्ट करके दिया है, जोनल ऑफ रेलवेज RPSF वेयर द कैंडिडेट्स आर इम्पैनल्ड। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इसके मतलब निकलता है कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग का डेट है वो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि कोई यहाँ पर आपका समय तय नहीं किया गया कि किस टाइम पर आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, एंड आपका जो ट्रेनिंग है वो आपके दोस्तों जोनल पर डिपेंड करेगा, वो यहाँ पर संगठित करेंगे बात की गई है। तो ये हो गया आपका सर ज्वाइनिंग कब होगी, चूंकि अब ये ऑफिशियली अपडेट है आपका, ऑफिशियली रूप से डिपार्टमेंट ने बोला है तो अब यही है। ओके अभी आपका डेट कोई फिक्स नहीं किया कि आपको इस तारीख को ज्वाइनिंग मिल जाएगी और आपकी ट्रेनिंग कब होगी, ये भी बिल्कुल फिक्स नहीं है, आपका जो जोन है उसी के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग डिसाइड होगी। एंड इसके साथ साथ अभी आपका डेट का यहाँ पर कुछ नहीं बताया कि ज्वाइनिंग होगी तो कब होगी। तो ये हो गया बहुत बड़ा रिप्लाई, चूंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी सर ज्वाइनिंग कब होगी कब होगी कब ट्रेनिंग होगी, तो ये आप देख लीजिए RTI के रिप्लाई आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए अगली स्लाइड में और यहाँ पर आप देखिएगा नाम निकल के आता है अमरजीत कुमार। तो अमरजीत जी ने भी यहाँ पर RTI के लिए बोला था और इनकी लगाई थी मैंने। तो आप देख सकते हैं आपने जो जो क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सर मेरे मार्क्स कितने हैं, तो आप यहाँ पे देखिए एज पर रिकॉर्ड योर रो मार्क्स वाज 22 एंड टेस्ट मार्क्स वाज 18.19 क्या है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो रो मार्क्स निकल के आया है 22 और आपका जो टेटेक्स का मार्क्स निकल के आया है 18 है। एंड इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है एज पर रिकॉर्ड योर नॉर्मलाइज मार्क्स वाज 23.18, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स निकल के आया है 23.18। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन जो था थर्ड, क्या सर मेरा रीजन क्या रहा सिलेक्ट ना होने का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर रिकॉर्ड योर टोटल मार्क्स इज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ फॉर कांस्टेबल एंसिलरी ग्रुप सी, हेंस योर नेम इज नॉट यहाँ पर इंक्लूड इन फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड पैनल। तो दोस्तों आपका भी यहाँ पर यही बोला गया कि आपका लेस देन रहा, मतलब कि आपका जो मार्क्स है आपके कट ऑफ से कम रहा, इसी वजह से आपका नाम यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ। ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट पर्सन का, बहुत ज्यादा हो गए हैं क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला नाम निकल के आता है किसका, अगला नाम निकल के आता है दोस्तों आपकी, आप यहाँ पे देखिएगा क्या नाम है इनका, हरदीप सिंह जे है हरदीप सिंह। आप देखिएगा आपने जो जो क्वेश्चन पूछे थे हरदीप जी आपके भी यहाँ पर बाकायदा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है। RTI की जो विशेषता रहती है दोस्तों आप क्वेश्चन जितने भी पूछे, 10 पूछे, 5 पूछे, 20 पूछे, सभी क्वेश्चन के बाकायदा आंसर दिए जाते हैं यदि पॉसिबल होता है तो आपके हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर मिल रहा है जो जो आप लोगों ने पूछे थे। अब आप यहाँ पे देखिएगा क्या है, इन्होंने भी पूछा था सर मेरे मार्क्स कितने हैं, तो आप यहाँ पे देखिए एज पर रिकॉर्ड योर रो मार्क्स वाज 22.33 एंड टेस्ट मार्क्स वाज 16। ओके और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या रहा, एज पर रिकॉर्ड योर नॉर्मलाइज मार्क्स वाज 24.25
एंड एज पर रिकॉर्ड टोटल मार्क्स इज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ फॉर कॉन्स्टेबल एंसिलरी ग्रुप सी, यहाँ पर हैंस योर नेम इज नॉट इंक्लूड इन फाइनल मेरिट लिस्ट सेलेक्ट पैनल। तो दोस्तों आपका भी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपके मार्क्स से ज़्यादा गया है, इसी वजह से आपका नाम यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके पैनल द्वारा नहीं दिया गया, ऐसा यहाँ पे बोला थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका जो जवाब आया है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है वो रहा 24.25, और बात करें क्या कि आपका जो रो मार्क्स रहा वो रहा 22.33 और टेटेस्ट का मार्क्स रहा आपका 16। अब आपको यहाँ पर प्लस करना है किसको, 24.25 एंड 16 को। आपका जो कट ऑफ बन रहा है आप इसको देख लेना कितना जा रहा है आपका कट ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वन बाई वन करके हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई दिया जिन जिन ने मेरे से लगवाया था आरटीआई और कहा था सर मेरे को इन सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई चाहिए, मेरे को जानना है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे को जानना है कि मेरा कट ऑफ क्या रहा, एंड मेरे को जानना है कि मेरे नॉर्मलाइजेशन के टेटेस्ट के एंड रो मार्क्स कितने आए। तो दोस्तों अब आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, फिर भी आपके मन में यदि अभी कोई कमेंट डाउट बना हुआ है तो बेझिझक पूछें, हम उसका रिप्लाई जरूर देते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते जाएं। ओके टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।